बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी। और आज अमेरिकन, ये एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, रिमार्केबल। एक तो ये मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। अब आप तो मैच देखने गए थे तो इंडिया जीत गया, आज फिर इंडिया जो है वो जीत गया अमेरिका से। पाकिस्तान तो अमेरिका के आगे एक मिनट नहीं खड़ा हुआ। तारड़ साहब, हमारी टीम तो अमेरिका से भी नहीं जीत सकी जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था। ये तो इंडिया की टीम ने तो कमाल कर दिया। और बुजारी बात है, वो प्रोफेशनल है, जरा इस पे भी कमेंट करें कि ऐसा क्या था कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और इंडिया जो है आज यूएसए से जीत गया। जब ये मैच हारे जब यूएसए से, तो मेरे पास टिकट तो मौजूद थे बल्कि दोस्तों के साथ मैंने जाना था, तो मैंने सोचा था कि ना जाऊं, लेकिन दोस्त मेरे जो भारतीय दोस्त हैं सारे, उन्होंने बड़ी जिद की कि आप आए। देखिए, हम चीमा साहब यहाँ 35-35 साल से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ग्रो अप हुए हैं, तो उन्होंने जिद की, बल्कि जसदीप साहब जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी जिद की, फिर मैं गया वहां देखने। और जाती तौर पर पूछे तो मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था, अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स दोनों साइड पे थी, क्योंकि मेरे दोस्त भारतीय, मैं आपको बताया मैं सारा दिन, एक पूरे 24 घंटे में से आधा दिन तो मैं भारत में होता हूँ, उसकी वजह की मैं सारा दिन मेरे आसपास जो है मेरे इंडियन दोस्त होते हैं, जसदीप होता है, उसमें चीमा साहब जो खासकर जो मैंने एक्सपीरियंस उस दिन किया, एक तो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी बहुत कम थे, ज्यादातर जो थे 80-90% देवर भारतीय थे। आज बल्कि किसी ने यह कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी। और आज अमेरिकन, ये एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, रिमार्केबल। एक तो ये मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप, और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क एक दूसरे के साथ, उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो दो चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, इजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, वो उमर अकमल क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे आए कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती है, आपके आपके जो खिलाड़ी हैं जो जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखे बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की, किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चले चीमा साहब, टीम सर बड़े बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़े कंट्रोवर्सियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं, और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते नहीं, दो ग्रुप बने हुए हैं। उसकी गवाही साथ आई है, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, जरूरत इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान, ये बगैर सर्जरी के इनके गुर्दे में दर्द पथरी आई है तो इनको क्यों भेज दिया आपने बगैर सर्जरी? 300-300 pounds के खिलाड़ी आपने भेज दिए हैं जो कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बना है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये थी कि ये जो आपने कुश्ती के पहलवान डाले हैं, ये जो कबड्डी के पहलवान डाल दिए टीम में आपने, क्रिकेट की टीम में गलती से, इनको या तो सर्जरी करके भेजते, इनकी लाइपोसक्शन कराते आप इनकी, तो या तो ये होता। और दूसरा चीमा साहब, अफसोस है, पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं ये टीम वापस जाएगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है यही पॉलिटिकल साइड में अप्लाई कर लें, तो देखें। लेकिन भारत को आज मुबारक हो कि आज उनकी टीम जो है, बल्कि जो यूएसए की टीम है, मैं देखना चाह, बल्कि आज मेरे किसी दोस्त अजीज ने बताया कि एक वहां जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है जो यूएसए की टीम है, और ही उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर है, बेहतर तो होनी है क्योंकि मेरिट पे आया है, पाकिस्तान में तो रिश्तेदार है सारे, वहां तो बाप अगर क्रिकेट खेला हो, चाहे मोहल्ले में क्रिकेटर हो, उसका लड़का वहां चला जाता टीम।
चीमा साहब इस तरह तो कहते हैं फिर जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है परिवेश की, यही कह के हमारे जैसे लोग सब्र कर लेते हैं। तो यही आज क्रिकेट की सूरत हाल है, लेकिन भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट की मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग बैड। हेलो नमस्कार है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 का अब तक का सफर शानदार रहा है। जैसा कि आपको पता है ये T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है और टीम इंडिया ने अपने शुरुआती तीनों मैच जीत लिए है। जब भारतीय टीम मैदान में खेल रही होती है तो भारतीय दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। साजिद तराजी ने इस वीडियो में बताया कि जब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने गए थे तो 80-90% दर्शक भारतीय थे और केवल 5-10% दर्शक ही पाकिस्तानी थे। इसके अलावा जो इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच हुआ उसमें भी भारतीय दर्शकों से स्टेडियम भरा हुआ था, जबकि भारत का मुकाबला होम टीम यूएसए से था। और इसमें खास बात साजिद तराजी ने बताई, स्टेडियम के बाहर भारतीयों की 16 से ज्यादा रोल्स रॉयल्स खड़ी थी, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में रह रहे भारतीय पाकिस्तानियों के मुकाबले कितने वेल्दी है। आमतौर पर ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिका में उबर टैक्सी चलाते हैं और भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट पर बने हुए है। अमेरिका जैसे देश में भी भारतीयों ने अपना दबदबा बना के रखा है। कोई अगर क्रिकेट की बात करे तो क्रिकेट का ग्राउंड ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका को आसानी से हरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर भी अमेरिका के आगे लेट गया। क्रिकेट में भी पाकिस्तान को नई नवेली टीम यूएसए ने धूल चटा दी। इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बुरे प्रदर्शन का कारण भी साजिद तराजी ने बताया कि पाकिस्तान टीम को रिश्तेदारी ने डुबोया है। जैसे कि अमेरिकन टीम में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है, इनका नाम है मोहम्मद अली खान। अली खान यूएसए के टीम में अपने मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वही पाकिस्तान की पूरी टीम सिफारिशी खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। ना पाकिस्तान टीम में खिलाड़ियों के फिटनेस को देखा जाता है और ना ही मेंटल फिटनेस को परखा जाता है। वही खिलाड़ियों को टीम में रखा जाता है जो किसी ना किसी के रिश्तेदार है। इसलिए साजिद तराजी ने बताया कि नेशनल टीम में कुश्ती और कबड्डी के पहलवानों को सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान को क्रिकेट में भी जलील ही होना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाकी टीम के खिलाड़ी जहाँ क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं और मैच से पहले नेट में प्रैक्टिस करके खुद को तैयार कर रहे हैं, वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई है जिसमें वो अमेरिका में स्ट्रीट फूड खाते हुए और रेस्टोरेंट में डिनर का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान टीम अपने दोनों मैच हार कर अब कुदरत के निजाम पर निर्भर है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।